हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम बनाएंगे हैदराबादी मटन कोरमा। सबसे पहले मैं आप सभी को थैंक्स कहना चाहती हूँ। आप सभी ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया है मेरे प्रीवियस वीडियो पर। इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो फौरी ही सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम लेंगे 1 kg मटन, 1/2 kg कर्ड, 2 बड़ी साइज की प्याज को चॉप कर लें, 1 cup श्रेडेड खोपरा, रोस्टेड खरबूजे की बीज, 2 teaspoon जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 tablespoon ऑयल, 2 teaspoon रेड चिल्ली पाउडर, 1 spoon गरम मसाला पाउडर, 1/2 spoon हल्दी, 1 spoon नमक। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और पैन में खोपरे को रोस्ट करेंगे। खोपरा गोल्डन होने तक इसे रोस्ट करते रहें। अच्छे से गोल्डन हो चुका है, अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब हम इसी पैन में ऑयल डालेंगे और इसी में प्याज को भी फ्राई कर लेंगे। प्याज सॉफ्ट होने तक हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। प्याज अच्छी से फ्राई हो चुकी है, अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब हम एक जार लेंगे और जार में सारी रोस्टेड चीजें डालेंगे, जैसे कि खरबूजे की बीज डाल लेंगे हम सबसे पहले, फिर खोपरा डालें और प्याज डाल ले और इसे ग्राइंड कर ले। एक कुकर ले और कुकर में 2 tablespoon ऑयल डाले। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें हम अब जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल लेंगे। जो मिक्सचर हमने ग्राइंड किया था वो अब हम कुकर में डालेंगे और इसे भून लेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप कोई और रेसिपी भी मुझसे सीखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। मिक्सचर अच्छे से भून चुका है, अब हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे। हल्दी डालें नमक डालें और गरम मसाला डाल लें। और इन सभी को अच्छे से मिक्स करते हुए भूने। कर्ड को अच्छे से फेंट ले और इसमें डाल ले और अच्छे से मिक्स कर ले और इसमें मटन डाल ले और 10 मिनट के लिए कुकर की लिड लगा दे और इसे तेज आंच पर पकाए। मटन कोरमा तैयार है। कोरमा पे थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना डाल ले और अच्छे से मिक्स कर ले। लेमन जूस डाल ले और लेमन जूस को भी इसी में मिक्स कर ले।
हैदराबादी मटन कोरमा तैयार है। इसे आप व्हाइट राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। कैसी लगी रेसिपी कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करें और मजेदार वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।